नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आसिफ खान। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे प्रणव दा संघ के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। संघ के कार्यक्रम में जाने के बाद कांग्रेस में खलबली मची है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन फिर भी कांग्रेस के कई नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर इस पर आपत्ति जताई है। इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्या कुछ फर्क पड़ेगा कांग्रेस के ऊपर प्रणव दा के संघ के कार्यक्रम में जाने के बाद। तो पूर्व राष्ट्रपति कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणव मुखर्जी जो है वो संघ के कार्यक्रम में गए हैं। संघ के कार्यक्रम में जाने के बाद से कांग्रेस में खलबली मच गई, क्योंकि प्रणव मुखर्जी पहले जब कांग्रेस में थे तब उन्होंने संघ को लेकर कई कड़े बयान दिए थे। उन्होंने यहां तक कहा था कि संघ जो है वो भारत के लिए जहर है, संघ बांट कर राजनीति करता है, संघ समाज को बांटने का काम करता है, संघ बीजेपी के लिए पूरी तरह से काम करता है, तमाम तरह के आरोप थे। लेकिन अब प्रणव मुखर्जी को जब संघ का न्योता आता है तो प्रणव मुखर्जी वहां पर पहुंचते हैं। इसके बाद खलबली मच जाती है कांग्रेस के अंदर। सुशील कुमार शिंदे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि इसमें क्या गलत है, अगर प्रणव मुखर्जी के पास न्योता आता है तो वो जा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल कहते हैं कि उन्हें प्रणव दा से ये उम्मीद नहीं थी कि वो आरएसएस के जो है कार्यक्रम में जाएंगे, स्वयं सेवक संघ के कार्यक्रम में वहां पर जाएंगे। संघ के कार्यक्रम में जाने के बाद से कांग्रेस के नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनका ये गलत कदम था। प्रणव दा की खुद बेटी कहती है कि वो बीजेपी को गलत खबरें गढ़ने और साथ ही अफवाह फैलाने का एक मौका दे रहे हैं, उनको यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। यानी कि प्रणव मुखर्जी उनकी बेटी ही खुद निशाना साध रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या राजनीति में सब कुछ संभव है? क्या जब विपक्ष में होते हैं तो क्या सिर्फ निशाना साधा जाता है? क्या जो सामाजिक संगठन है उनके ऊपर भी क्या राजनीतिक फायदे के लिए निशाना साधा जाता है? और अब प्रणव मुखर्जी के नजरिया क्यों बदल गया? अब संघ के कैसे वो मेहमान हो गए? पहले संघ को वो इतना ज्यादा कोसते थे, तो संघ के कार्यक्रम में जाना क्या गलत है? क्या व्यक्तिगत तौर पर वो किसी भी सामाजिक संगठन के कार्यक्रम में नहीं जा सकते? और संघ अगर इतना गलत है कि किसी कार्यक्रम में जाने के लिए अगर कांग्रेस को इतनी बेचैनी हो रही, तो फिर कांग्रेस के वक्त में क्यों नहीं इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई? आखिर इतना क्यों अछूत है कि उनको पूर्व राष्ट्रपति के जाने पर भी एतराज हो रहा है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम दलों के राजनेता और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। सीएम पपना जी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। इसके अलावा अचल शर्मा जी, नेता बीजेपी, ए के मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ए के मिश्रा जी, प्रणव मुखर्जी पहले कहते हैं कि संघ जो है वो जहर है देश के लिए और अब उसके कार्यक्रम में जाते हैं, ये नजरिया कैसे बदल जाता है? देखिए, पॉलिटिक्स में साल तो बहुत दूर की चीज होती है, लेकिन यहाँ हर दिन नजरिया बदलता है क्योंकि हर दिन सिचुएशन बदल जाती है। जब तक प्रणव दा जी एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, डेफिनेटली उनके पास एक आइडियोलॉजी थी और वो उस आइडियोलॉजी से जुड़े थे। अब नजरिया बदलने का एक रीजन ये हो सकता है कि देश के सर्वोच्च पद पे आसीन होने के बाद डेफिनेटली वो बहुत सारी पॉलिटिकल जिम्मेदारियों से जो है मुक्त हो चुके हैं और साथ ही साथ वो कांग्रेस की या किसी एक विशेष पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से भी मुक्त हो चुके हैं। तो ऐसे में उनका वहां जाना, निमंत्रण को स्वीकार कर लेना, ये कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। लेकिन इसका एक चीज ये है कि सोचने वाली बात यह है कि आखिर आरएसएस को, जो अपने आप को इतना बड़ा थिंक टैंक बोलता है, जो कि भारत के नवनिर्माण की बात करता है, सोचने ये है क्या उनके पास आइडियोलॉजी की कमी हो गई, क्या उनके पास स्ट्रेटेजिक विचारों की कमी हो गई कि आज वो एक धुर विरोधी रहे, मतलब एक ऐसे आदमी को बुला रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट जो उनके धुर विरोधी पार्टी का है। दूसरी चीज और है, हो सकता है यहाँ पे एक चीज और है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों इस प्रोग्राम के थ्रू अपना कोई जो उनका एक ग्रेटर एजेंडा है कि उनको, देखिए आरएसएस भी अपने जो है इमेज को रीमेक ओवर करने की कोशिश कर रही है, उसके बहुत सारे प्रयास वो लोग कर रहे हैं।
तो इन प्रयासों में एक कड़ी मैं ये भी मानता हूँ कि संघ पूरे समाज को ये मैसेज देना चाहता है कि भाई हमारे लिए सब बराबर है, हमारे लिए राजनीति से कोई मतलब नहीं है, पक्ष विपक्ष सब बराबर। एक चीज और भी बीजेपी और संघ के लिए कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए हमें बदनाम या हमें बयान दिया जाता है। देखिए हम बुरे नहीं है, ये लोग जब राजनीति से नहीं जुड़े तब हमारे पास आसिफ, मैंने आपको यही बोला। अभी कुछ महीनों पहले तक संघ की इमेज ऐसी बन रही थी कि ये बीजेपी की ही मतलब बीजेपी इसकी इकाई है और ये बीजेपी के लिए काम करती है। संघ का जो एक ओपिनियन बन रहा था पूरे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कि एक खास मुद्दे को लेकर के ही ये लोग चलते हैं, तो इनको ये लगा कि अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो हमें एक लीनियंट वे अपनाना चाहिए। और जो इनका ये एक उद्घोष वाक्य होता है कि भाई सब समान है, हम सबके लिए है, सब हमारे है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया वाला जो इनका कॉन्सेप्ट है, तो ये एक बार फिर से ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हम राजनीति से एकदम अलग हैं। राजनीति क्या है क्या नहीं है, 2019 का इलेक्शन आने वाला है, देश कंफ्यूज हो रहा है, एक दूसरे को बुरा कहने वाले यही तो राजनीति, क्या सही माना जाए क्या गलत। नहीं सही आप कुछ मत मानिए, जिंदगी भर जो है बुरा जिसको कहते रहे आज मोदी के पास। सही सिर्फ ये है कि 2019 में फिर से सरकार बनाना है तो कांग्रेस से कैसे बेनिफिट लिया जाए। देखिए कांग्रेस के लिए डेफिनेटली एक मामले में ये एक बहुत बड़ी चोट स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल वे में होगी, लेकिन ये कांग्रेस इसका बेनिफिट भी उठा सकती थी। लेकिन मैं कांग्रेस के लीडरों का बयान सुन रहा हूँ, वो इसको मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कांग्रेस को तो ऐसे हाईलाइट करना चाहिए। सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि क्या गलत है अगर वो जा रहे हैं कार्यक्रम में, यही तो गलती कर दी ना सुशील कुमार शिंदे ने, वो एक पॉलिटिकल आदमी है, कांग्रेस की बैकफुट पे आ रही है। आप मुद्दे को सही से प्रेजेंट नहीं करते हो आप अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। कांग्रेस को तो ये बोलना चाहिए कि भाई पहले भी टैलेंट तो देश को चलाने के लिए तो टैलेंट हमारे पास है, लीडरशिप हमारे पास है, और संघ के पास क्या है, संघ तो हमारे नेताओं को बुला करके उनसे सीख रही है। देखिए पहले कांग्रेस के लीडरों ने गांधी परिवार ने इन लोगों ने ये बोला था कि मनमोहन सिंह जी से सीखने जाते हैं वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री कि वित्त व्यवस्था को कैसे चलाया जाए, ये शुरू में ये उनके बयान आए थे। तो आज कांग्रेस क्यों नहीं ये बोल रही है कि भाई देखिए देश कैसे चलाया जाए या सांस्कृतिक विरासत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को भी सीखने के लिए संघ हमसे सीख ले रही है। अचल जी अब सवाल ये है कि प्रणव दा की बेटी खुद कहती हैं कि बीजेपी को झूठी खबरें गढ़ने अफवाह फैलाने इसका मौका दे रहे हैं, उनको नहीं जाना चाहिए, उनकी बेटी कहती है। देखो उनकी बेटी क्या कहती है वो तो उनका अपना मामला है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस देश के अंदर अभी कुछ साल पहले या कुछ समय पहले वो शोर मचा व्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, क्या राष्ट्रपति की व्यक्ति की आजादी नहीं है? बाकी समाज में सब लोगों को व्यक्ति की आजादी है, जो मर्जी बोले जैसा मर्जी बोले, क्या राष्ट्रपति जाके किसी संगठन के अंदर जाके अपनी बात दे सकता, ये एक सोचने का विषय है। ये लोग शोर को मचा रहे हैं, जो कट्टरता की शोर मचा रहे हैं, जिनका जिनका दिमाग शून्य है बिल्कुल, जिनकी सोच शून्य है। और रहा संघ का सवाल, संघ हमेशा ही ऐसे कार्यक्रमों में, नागपुर का कार्यक्रम हो या दिल्ली में कहीं भी कार्यक्रम हो, हम अपने कार्यक्रमों के अंदर संघ ऐसे लोगों को बुलाता है जो अलग विचारधारा के होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र प्रणाली की तरह है कि अगर हमने उनके विचार सुनने हैं, अपने संवाद उनसे करना है, उनके विचार सुने, अपने विचार देने हैं संघ की बात। प्रणव मुखर्जी जी ने जो जिंदगी भर विचार रखे हैं संघ को लेकर, उसको भी तो देखिए आप, जो उन्होंने विचार रखे होंगे जी आज की परिप्रेक्ष्य के अंदर, अब ने उनको बुलाया है तो उनके विचार होंगे, जो विचार उनके हैं वो बोलेंगे ना। अब ये थोड़ी देर में बोलने वाले आपके सामने आ जाएगा उनके विचार क्या है। और जैसा कि जो मुझे लग रहा है, जब वो वहां पर गए हैं, वहां जाकर उन्होंने पुस्तिका पर लिखा है कि मैं बहुत बड़े महान सपूत को श्रद्धांजलि देने आया हूं, तो इस विचार से बुझा रहे हैं उनके क्या है, और वो किस दबाव में थे क्या था ये उनको पता बोलना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस कह रही किस दबाव में पहले थे या आप थे, या उनकी बेटी खुद कह रही कि इन्होंने जो है वो बहला फुसला कर वहां पर बुला रहे हैं, बीजेपी की रणनीति को नहीं समझ रहे हैं, बीजेपी जो है इनको मौका मिल रहा है झूठी खबरें गढ़ने का, अफवाह फैलाने का, इस तरह की कह रही है। देखो जी वो अगर अपने पिताजी के बारे में बोल रही है, निश्चित रूप से वो दबाव में बोल रही है, वो अपने पिताजी को जानती है। और आज मैं एक बात और कहूंगा, कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ा नेता कोई इस समय है तो प्रणव दा थे, बिल्कुल वही राष्ट्रपति थे, उनसे बड़ा कोई नहीं। 84 में अगर इंदिरा की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बनने की बात हुई थी तब राहुल गांधी वो छोटे थे, पड़ रहे होंगे, तो ऐसे नेता अगर कुछ सोच के जा रहा है, विचार जा रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बात होगी, कोई ऐसा विषय नहीं है। ऐसा तो नहीं कि संघ इसलिए बुला रहा है कि देखिए ये लोग हमें बुरा कहते थे लेकिन अब ये लोग हमारे पास आ रहे हैं, राजनीतिक मजबूरी उनकी थी बुरा कहना, लेकिन संघ बुरा नहीं, संघ कभी भी बुरा नहीं है जी, संघ की कभी ऐसी नीति नहीं रही है, संघ को थोड़ी चल रहा है 93 राजनीति फायदा उठाने के लिए बुरा कहते संघ, राज्य ये लोग राजनीतिक संगठन है ही नहीं संघ,
93 साल उसको आज हो गए हैं, सामाजिक संगठन है वो उसका काम ही अलग है। सामाजिक संगठन का काम करना है समरसता पैदा करनी, सेवा भाव करना, ये संगठन का काम है। संगठन का काम यही करने का, राजनीति नहीं करता शंकर देवी। और 93 साल से संगठन चल रहा है, उसको 93 साल से लगातार विश्व का पहला संगठन होगा जिसके खिलाफ क्या क्या नहीं खड़ा गया, कितने प्रतिबंध नहीं लगाए गए। गांधी हत्या का प्रतिबंध लगा, 75 प्रतिबंध लगा, उसके 47 लगा भी, बाद में फिर प्रतिबंध लगा, इतने प्रतिबंध झेलने के बाद भी संघ जीवित है, संघ अपनी मजबूतियां चल रहा है, संघ तो अपना काम कर रहा है लगातार और अपना काम करेगा। इसमें किसको फायदा होगा, राजनीति का? नहीं देखिए, संघ की तमाम अच्छाइयां हैं, उसको मैं या पूरी दुनिया मानने के लिए, मतलब हम लोग मानते हैं, लेकिन ये भी नहीं बोला जा सकता है कि संघ जो है पॉलिटिक्स से अलग है। बीजेपी संघ की ही एक इकाई है और तन मन धन से संघ जो है बीजेपी को सत्ता लाने में जो है लगी रहती है। मैं बोलता हूँ कि अगर इतना लोकतांत्रिक व्यवस्था संघ के अंदर है तो क्यों नहीं सोनिया गांधी को आप बुला लिए होते? हाँ, क्यों नहीं कांग्रेस के और बहुत बड़े नेता हैं, आप पाकिस्तान से बहुत बड़े नेता हैं, दूसरे देशों से आप बुलाइए। बेनिफिट इसका अल्टीमेटली आप देखिएगा बीजेपी ले जाएगी। बीजेपी इस तरीके से इनकैश कर रही है, बीजेपी इस पूरे एजेंडे को ऐसे प्रेजेंट कर रही है। देखिए यहाँ पे क्या इनकी जो एक मल्टी लेयर स्ट्रेटजी है संघ और बीजेपी की, क्या इधर प्रणव दा जी उधर गए, आरएसएस वाले कोई और तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, इधर बीजेपी वाले टीवी पे क्या बोल रहे हैं कि देखिए हमने कांग्रेस को एक जबरदस्त चोट पहुंचा दी, कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं वो हमारी जो है आइडियोलॉजी से प्रभावित हो गए। तो इनकी ये जो दोहरी नीति होती है, जो स्ट्रेटजी होती है बीजेपी और आरएसएस की, कि एक तरफ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दूसरी तरफ चोट पहुंचा रहे हैं। सवाल ये है, जब किसी भी राजनीतिक दल से संघ नहीं जुड़ा, एक सामाजिक संगठन है, तो सिर्फ बीजेपी के ही नेता वहां पर क्यों जाते हैं और संघ से निकलकर बीजेपी में ही क्यों नहीं जाते हैं, संघ से निकलकर कांग्रेस में क्यों नहीं जाते हैं और संघ के कार्यक्रम में दूसरी पार्टियों के नेता क्यों नहीं जाते हैं? एक तो मैं बता दूं, 1967 के अंदर जयप्रकाश नारायण जी भी आए थे, 1934 के अंदर वर्धा में महात्मा गांधी जी भी शिविर के अंदर आए थे, जगजीवन बाबू भी संघ के संगठनों के अंदर कार्यक्रमों के अंदर आए हैं। ऐसा नहीं है कि संघ सिर्फ बीजेपी के लोगों को बुलाता है, संघ के अंदर अलग तरह के संगठनों के लोग आते हैं और वो उनका लगभग तरह आना जाना होता ही रहता है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। मुझे एक बात और भी याद है, जिस समय केरला के अंदर विवेकानंद स्मारक बना था, माननीय इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री वहां गई थी, तो माननीय सरसंघ सहसर चालक जी वहां पर सहसर कार्यवाही भी वो वहां पर उस कार्यक्रम में उपस्थित थे स्वयं, तब शोर क्यों नहीं मचाया? क्योंकि ये कांग्रेस तब की कांग्रेस नहीं है, ये राजीव की इटली और सोनिया माँ बेटे ही कांग्रेस है जो इस तरह का व्यवहार कर रही है। इनको लोकतांत्रिक विषयों की समझ नहीं है, भारत की संस्कृति की समझ नहीं है, केवल विरोध करना ही इनका काम है। लेकिन सीएम पपने जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है सीएम पपने जी, किस तरह से देख रहे हैं प्रणव दा के कार्यक्रम में जाने को लेकर? दरअसल ऐसा है कि जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई प्रणव दा के वहाँ जाने से जो है कांग्रेस को का भारी नुकसान होगा और आरएसएस को भाजपा को काफ़ी फायदा होगा और जिस तरह के तोड़ मरोड़ की बातें पैदा की जा रही है, दरअसल ये एक मतलब राजनीति की दृष्टि से एक अलग अलग अपने दृष्टिकोण है। मेरा मानना यह है कि हमारे 13वें राष्ट्रपति प्रणव दा रहे हैं और एक बहुत सूझबूझ वाले एक अपने नेता रहे हैं कांग्रेस के और उन्होंने पूरा जीवन देखा है कि किस तरह के समाज को राष्ट्र को चलाया जा सकता है। क्योंकि जब हमने उन्हें देखा कि वो डिफेंस मिनिस्टर के पद पे रहे, वो वित्त मंत्री भी रहे और कई अच्छे अच्छे मंत्रालय भी संभाले हैं, तो देखा गया कि इतनी सूझबूझ उनके अंदर है कि जो आज कयास लगाए जा रहे हैं कि इस तरह की ये चीजें हो सकती है। एक दौर था कि कांग्रेस के संकट मोचन कहे जाते थे, जब कांग्रेस के ऊपर कोई संकट आता था, कांग्रेस सरकार के ऊपर संकट आता था, प्रणव दा जो है उस संकट को दूर करते थे। लेकिन क्या आज कांग्रेस के लिए खुद संकट बन गए? नहीं, वहां जाने के बाद बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल ऐसा है कि कयास हम कुछ भी लगा ले, मैं राजनीतिक दृष्टि से मैं भाजपा का हूँ तो मैं भाजपा की बात करूंगा, मैं अगर कांग्रेस का हूँ तो मैं कांग्रेस की बात करूंगा, लेकिन मैं एक निष्पक्ष पत्रकार हूँ तो मैं एक निष्पक्ष पत्रकारिता की ही बात करूंगा। दरअसल प्रणव दा का जो एक अनुभव है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आज वो कई चीजों को अपना खुलासा करेंगे और कई जगह डुगडुगियां पीटी जा रही है, कई जगह निराशा पैदा की, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं है, पितुली बात होगी, नहीं होगा। प्रणव दा को कई बार अपना मैंने उनके अपने व्यूज लिए हैं, कई बार मैंने उनके साथ में पत्रकारिता की है, जिनसे बात है, हमने उनके अंदर एक गुण दृष्टि एक देखा है, जो राष्ट्रीय एक दृष्टि देखा है, जो एक समझ उनके अंदर देखी है, वो बिल्कुल एक अपरिपूर्ण है, उसको कोई जो पूरा नहीं कर सकता, चाहे कयास कुछ भी लगाए जाए। लगता है कि इस तरह का बयान आएगा आसिफ? देखिए
हमारे यहाँ की जो बोलेंगे ना उससे काफी ज्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको ड्यूअल लेयर की जो स्ट्रेटजी बताई, मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि ये एक गैर राजनीतिक कदम है। संघ बहुत अच्छा है, प्रणव दा जी भी बहुत अच्छे हैं, राजनीतिक टूल इसको दिया जा रहा है, है नहीं है क्या? नहीं, ये बिल्कुल किया जाएगा क्योंकि 2019 में इलेक्शन है, नहीं लेकिन दिया जा रहा है, यही बात। नहीं नहीं, ये राजनीतिक टूल, उनकी बेटी, देखिए उनकी बेटी इसीलिए कह रही है कि आप संघ में चले गए, आप व्यक्तिगत तौर पर गए, राजनीतिक तौर पर नहीं गए, लेकिन खबरें झूठी गढ़ने का अथवा फैलाने का मौका दे रहे हैं बीजेपी। नहीं, बीजेपी का ये, बीजेपी और संघ का, देखिए 2019 में इलेक्शन है, ठीक है, ऐसी चीजें समाज में होती रहनी चाहिए, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन आप पॉलिटिक्स से तो बाज आओ, पॉलिटिक्स से बाज आना नहीं है। देखिए दो विरोधाभासी काम एक साथ हो रहे हैं, प्रणव दा वहाँ खड़े होकर देश के महानता के बारे में वो बात कर रहे होंगे, मुझे पता है वो मैच्योर्ड है, वो देश हित की वहाँ पे बात करेंगे बिना समाज या पॉलिटिक्स से उठ के। लेकिन संघ की जो दूसरी इकाई है राजनीति वाले, वो टीवी पे क्या बोल रहे हैं, तो इसीलिए मैं इसको पॉलिटिकल एम्बुश मानता हूँ। एक जाल पॉलिटिकल जो बिछाना, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि किसी भी पार्टी को फायदा मिले और किसी को नुकसान हो, उस जगह जा करके वो एक बड़ा जनरल देशहित देशभक्ति की सर्व समाज के विकास की वो बात करेंगे, वो कोई भी बायस बात न तो वो संघ की एकदम प्रशंसा करेंगे कि आपने हमें इनवाइट किया, न बीजेपी या कांग्रेस की बुराई करेंगे, ये पूरा एक सामाजिक माहौल में वहाँ बोला जाएगा, वो चीजें हैं। लेकिन देखिए ये इतना गजब का पॉलिटिकल एम्बुश है बीजेपी का, जिसमें कांग्रेस वाले फिर फंस गए जाल, ये लोग मैन, उनकी बेटी खुद कांग्रेस की लीडर है ये बोल रही है, मैं बोलता हूँ उसको ये नहीं बोलना चाहिए था उनकी बेटी को, उनको तो ये बोलना चाहिए था मुझे अपने पिताजी के ऊपर गर्व है कि संघ जैसी सेल्फ क्लेम्ड बॉडी उनको बुला के उनसे शिक्षा ले रही है। लेकिन वो इसलिए नहीं बोल पा रही, हो सकता कांग्रेस के जैसे उन्होंने कहा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लेकिन दबाव नहीं है, हद हो गई, दबाव कैसे है, किसका किसका दबाव है, संघ का दबाव है, नहीं मोदी जी का दबाव है, बीजेपी का नहीं, कांग्रेस का दबाव होगा, प्रवक्ता है दिल्ली कांग्रेस की प्रवक्ता है सर, मैं आपको, नहीं नहीं, थोड़ा सा कांग्रेस के जो सबसे टॉप लीडर है, जो सबसे टॉप लीडर है, सुशील कुमार शिंदे ने इसकी तारीफ की। जो देखिए सवाल, मैं आऊंगा अभी आऊंगा, एक सवाल ये है, उनकी बेटी कहती कि क्या बयान देंगे, सवाल ये है कि प्रणव मुखर्जी जो बयान देंगे उसके आधार पर देखा जाएगा किसकी तारीफ करेंगे किसकी बुराई। लेकिन उनकी बेटी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बयान को भूल जाया जाएगा एक वक्त में, लेकिन तस्वीर जो होगी कि प्रणव मुखर्जी संघ के कार्यक्रम में गए, ये तस्वीर होगी और ये हमेशा याद रखी जाएगी। बिल्कुल आपने बिल्कुल जायज बिल्कुल फरमाया है। दरअसल है क्या कि आज मैं कभी टीवी चैनलों के द्वारा देख रहा था कि संघ के जो लोग हैं वो अंबेडकर की फोटो जो है स्वयं सेवकों के साथ दिखा रहे थे, जबकि है क्या दरअसल ये नहीं था, एक दूसरे बात है तो है क्या कि बिल्कुल शर्मिष्ठा ने जो कहा है एक्चुअली, क्योंकि जो ओवेस विंग की भी दिल्ली प्रदेश की वो अपना यहाँ पर अपना पूरे अपना हेड है उसकी, तो उन्होंने कहा है इस चीज को कि कहीं पापा ऐसा हो कि ये कल जिस तरह से विचारधारा के लिए लोग हैं, जिस तरह भाजपा जो अपना काम कर रही है, ये वही अंबेडकर के साथ जो इन्होंने किया है। आगे से तो आप खड़े होंगे, आप बोल रहे होंगे, लेकिन पीछे से पूरी कहानी चल रही होगी कि ऐसा हो गया है एक दूसरे बात, ये ऐसा दूरगामी चीज है, उस चीज का गलत फायदा उठा। शुरू में ये बोल रहा हूँ, समाज सेवा, एक रूपता, एक रास्ता के लिए ये प्रोग्राम है तो ये बहुत अच्छा है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन संघ इसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेने से बाज नहीं आएगा या उनके जो दूसरे अंग है, और ये जानबूझ के बहुत अच्छी तरीके से प्लांट की गई स्टोरी है, लेकिन कांग्रेस वाले इसका फायदा नहीं उठा पा रहे, वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कांग्रेस को ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए था कि भाई आज बीजेपी और संघ के पास आइडियोलॉजी का अकाल पड़ गया है, इसलिए हमारे इतने बड़े नेता, रिटायर्ड नेता को बुला करके वो हमसे सीख ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी इसको कह रही है ना, बीजेपी दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी अपने हिसाब से कह रही है कि संघ में या बीजेपी में कोई बुराई नहीं है, राजनीतिक की वजह से उसका फायदा उठाने के लिए ये हमें बुरा कहते हैं। आज देखिए कांग्रेस के लिए, आप देखिए बोलना कुछ और होता है, पिक्चर कुछ और होता है, लेटेंट मैसेज क्या जाता है आदमी के दिमाग में, जितने लोग ये पिक्चर देखेंगे, पहली बार भी जो मैंने देखा मेरे दिमाग में यही थॉट आया कि अरे एक कांग्रेसी इतना बड़ा लीडर कैसे चला गया वहां पे उसके पास, तो मैसेज लेटेंट वे में जो कन्विंसिंग और फाइनल मैसेज होगा वो मैसेज ये होगा कि देखिए कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता को तोड़ लिया गया, शायद उनके अंदर कांग्रेस टूट रही है, कमी आ रही है और वो संघ में जा रहे हैं,
तो ये चीज है। और ये जिसका सबसे ग्रेट गेम जो इसमें मुझे आरएसएस का लगता है, अपनी ओवरऑल पुरानी इमेज को ओवरहॉल करना, रीमेक करना। देखिए अभी इन्होंने मुस्लिम विंग भी बनाया, इफ्तार पार्टियां वगैरह भी आयोजित कर रहे हैं जो पहले नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? साल से तो में भी जा रहे जो पहले नहीं जा रहे हैं, पहले ये बहुत कट्टर थे। उसका रीजन है, देखिए आज के 15-16 साल पहले मैं इनके वेबसाइट पे गया था, इनके 25 जो है पॉइंट थे। तो इनका जो ग्रेटर पॉइंट, ग्रेटर ऑब्जेक्टिव है, उन सबको पूरा करने के लिए ये बहुत सोची समझी और स्टेप वाइज फेज वाइज ये रणनीति है देश के कल्याण। और उससे जो है मेरे को वो नहीं लगता है कि ये कोई ऐसा प्लान है। देश का कल्याण ये मिलने मिलाने से नहीं होता है, देश का कल्याण ग्राउंड जीरो लेवल पे होता है, काम करने से होता है। नो मैटर संघ या बहुत सारी और संस्थाएं कर भी रही है, लेकिन ये मुझे 2019 के चुनावी मुद्दे का एक अंग लगता है। अंग लग रहा है क्या? संपर्क से समाधान, चुनाव को जोड़ेंगे, चुनाव से जोड़ेगी क्या बीजेपी इस मैटर को लेकर, की देखिए। और दूसरी चीज जो बात बहुत अच्छी प्रणब मुखर्जी की बेटी ने कही है कि तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, जिस तरह से अम्बेडकर साहब का हुआ, क्या वो जोड़ा जाएगा कि देखिए हमारे कार्यक्रम में भी आए? देखिए ये बार बार आप जो उनकी बेटी का बार बार नाम ले रहे हैं कि बेटी, मुझे लगता है कि घर का सदस्य कहेगा तो बात ज्यादा भारी होती है। हमारी भी सुनिए ना, बेटी है उनकी, वो कांग्रेस से कुछ लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं। तो जो प्रणब दा जिनकी राजनीतिक विरासत इतनी बड़ी है, राजनीति करते इतने तक पहुंचे, क्या उनमें अपना दिमाग नहीं है? वो सोच के नहीं गए होंगे? इसका मतलब क्या वो संघ माननीय मोदी भावक जी का संघ के किसी अधिकारी के भाव में आ सकते हैं क्या? आप प्रणब दा को इतना कमजोर समझते हैं क्या? जिंदगी बीत गई उनकी कांग्रेस के अंदर, समाज को संभालते हुए, तो इतना कमजोर नहीं है। दूसरा मेरे भाई ने कि संघ क्या अपने आप को ठीक कर रहा होगा, संघ इसका जवाब, मैं इसका जवाब दूं। आपने कहा नहीं, बयान जो नहीं, जो उनका बयान आएगा वो बड़ा संतुलित होगा, वो किसी की तारीफ, लेकिन इसी बात को लेकर कहा कि उस तस्वीर का, उस कार्यक्रम में जाने की शिरकत का फायदा उठा सकते, कौन फायदा उठाएगा जी? कांग्रेस वालों को नुकसान हो रहा है, वो शोर मचा रहे हैं, मैं कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उनको लग रहा है नुकसान हो रहा है। कांग्रेस का क्या नुकसान? कांग्रेस का नुकसान फायदा हो रहा है हमारे, कांग्रेस का नुकसान तो फायदा किसका? मैंने आपको पहली बार कहा कि संघ के अंदर अलग विचारधारा के लोगों को ऐसे कार्यक्रमों में बुलाकर अध्यक्षता कराई जाती है। ये मान्य नागपुर के अंदर तो हो ही रहा है, ये दिल्ली में भी कार्यक्रम होता है जो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाते, हम उनको बुलाते हैं अपना, हम उनको संघ का विचार देते हैं और उनके विचार लेते हैं। ये आदान प्रदान है, लोकतंत्र की परिक्रमा है। और एक बात और बता दूं, संघ का एक सुन से एक कब प्रयास होता है कि मैं साल के अंदर 4-5 नए सुन से एक बनाऊं, वुड भी सुन से एक, जो सुनसेक है वो तो हमारे पास आ ही रहे हैं, जो सुनसेक नहीं है वो भी सुनसेक, जो सुनसेक बनाना है ये माना जाए, कभी भी राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा कभी नहीं, हमारी ओर से राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल नहीं होगा। अगर संघ के ऊपर कभी निशाना साधा गया तो ये बात नहीं कही जाएगी कि देखिए संघ पे ये साधते हैं, ये थोड़ी साध रहे हैं, गांधी की हत्या से लेकर आज तक साधते रहे। आज राहुल गांधी सबसे पहले अगर कहीं बोलते हैं आरएसएस तो बीजेपी का नाम बोलते हैं, उनको कुछ बोलने नहीं आता, या रट के आते हैं वहां से, जो भी जो ही बात होती है विषय नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, फिर आसिफ समझने की बात है, मैं बोलता हूं चलिए संघ बहुत अच्छा है, तो क्यों नहीं हमारे माननीय मोहन भागवत जी सोनिया गांधी जी के यहां जाके डिनर करें कभी? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? पार्टी उनके लिए बताइए, सीताराम येचुरी जी के यहाँ वो चले जाए, या दूसरी और पार्टियां हैं पाकिस्तान में भी चले जाए, वो भी वो तो मानते हैं ना कि वो हमारा, नहीं नहीं सुनिए, संघ का एक संगठन है और समाज में अगर हर चीज है, बुराई है अच्छाई है, वो संगठन एक अच्छा काम कर रहा है। एक मिनट मेरे सवाल तो सुनिए, अगर समाज का वो संगठन अच्छा काम कर रहा है और अगर राष्ट्र में किसी भी देश में बुरा काम अगर हो रहा है तो संगठन तो जा सकता है, संपर्क कर सकता है, इसे बुराई क्या? आपने कहा समाज का संगठन है, वो समाज का संगठन नहीं है, समाज में संगठन है, ये अंतर है दोनों में। नई परिभाषा है, बिल्कुल है, संगठन की, संघ की परिभाषा है, ये समाज में संगठन है। वो अच्छे अच्छे सुसेकों का निर्माण करता है जो राष्ट्रहित की बात करते हैं, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि मुस्लिम आएगा नहीं आएगा, मैं शायद मुस्लिम भी आते हैं, मुस्लिम समाज भी आते हैं। सुनिए ना भैया, गांधी क्या है, सीताराम योजना क्या है, दूसरों के यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ भी जाएंगे, बात है कि वहाँ भी जाएंगे, आपके कहने थोड़ी जाएंगे भैया, आपके कहने थोड़ी, तो हार जीत तो ये आपकी सोच है, हार जीत हमारी, हार जीत का सोच का विषय नहीं है, हमारा विषय तो ये है कि अलग लोगों को बुलाकर विचार रखना, सुनो ना अपने विचारों को देना। मैंने बार बार यही कह रहा हूँ कि हमारे संगठन के अंदर, संघ संगठन के अंदर अन्य व्यक्तियों को बुलाकर समझाया जाता है, बताया जाता है, मैंने बताया भी सुनसेक, जो सुनसेक नहीं उनको सुनसेक बनाना चाहते हैं, ये हमारा ध्येय है। आप बनाना चाहते हैं संघ, बनाना तो बीजेपी संघ, मैं भी सुनसेक हूँ, मैं भी सुनसेक हूँ, संघ का सुनसेक, आपने संघ की बात की, संघ मैं भी संघ का सुनसेक हूँ, संघ के सुनसेक। आप कुछ कहना,
सर मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आज हाँ प्रणब मुखर्जी के बारे में मुझे इस बात का गर्व होना चाहिए देश को कि कांग्रेस के अंदर एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं कि उसका नेता किसी भी मंच पर जाकर अपनी बात कर सकता है। कि मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ क्या मोहन भागवत को कहीं भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट कर सकती है अपने मंच पर? नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी विचारधारा संकीर्ण है, संकुचित है, संकुचित ही है, संकुचित है। जब आपकी विचारधारा संकुचित होती है तो आपको कोई बुलाता नहीं है, और जब आपकी विचारा लिबरल होती है, उदारवादी होती है, तो आपको कहीं भी बुलाया जा सकता है। तिरानवे साल हो गए संघ को चलते हुए जी, आज संघ को चलते हुए 93 साल हो गए, वो कोई छोटा संगठन नहीं है जी। विश्व का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन अगर है, और विश्व के अंदर 125 देशों से ऊपर संघ की शाखा लगती है, हिंदुस्तान के अलावा 70,000 से अधिक स्थानों पर हिंदुस्तान में शाखा रेगुलर लगती है जी। इतना बड़ा संगठन है, ज्यादा सुन से उसके, लेकिन वो क्या संकुचित नहीं है? बहुत बड़ी व्यापक विचारधारा है संघ, कोई छोटी संकुचित सोच नहीं है संघ, बहुत बड़ी विचारधारा है। मेरे भाई बोले थे संकीर्ण विचारधारा की बात कर रहे थे, और प्रणव दादा चले गए तो इतनी बेचैनी क्यों हो गई, ये बात समझ से बहुत परे है। एक छोटा सा एग्जांपल है, आप किसी छोटे मोटे संगठन की बात छोड़ दीजिए, देश के राष्ट्रपति बने हुए कोविंद साहब को काफी एक अरसा हो गया, एक साल से ऊपर हो गया। राहुल गांधी और सोनिया जी की मानसिकता या संकीर्णता ये है कि आज तक वो उनके घर पे नहीं गए, बुलाने के बावजूद भी, तो ये कितनी बड़ी संकीर्णता। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर संघ को आप एक तरीके से आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हो, और देश के इतने बड़े नेता प्रणव दादा जो एक बहुत ही बड़े नेता रहे हैं, 1984 से मंत्री हैं, अगर वो जा रहे हैं एक आइडियोलॉजी दूसरी आइडियोलॉजी से मिल रही है, तो इसको तो जश्न के तौर पे लेना चाहिए ना। इंडिया इज कोएग्जिस्ट विद द डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी। अगर दो विचारधारा के लोग हैं, अगर वो उस मंच पे जा रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं माना जाएगा कि विचारधारा दोनों की एक हो गई? नहीं, दरअसल ऐसा है कि देखिए अलग है लेकिन मंच पे देखिए ऐसा ने जहां तक सवाल है, क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम किसी भी दल में अगर कोई काम कर रहे हैं, हम इस समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम इस देश के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए देश सबसे बड़ा, राष्ट्र सबसे बड़ा है। होता क्या है कि यहां पर जो ये बातें चल रही है, तोड़फोड़ की जो बातें चल रही है, दुर्भाग्य दरअसल ये होता है कि जैसे कल एक अपने का अफवाह उड़ी है ट्विटर के माध्यम से कि शर्मिष्ठा मुखर्जी भाजपा को ज्वाइन कर रही है और भाजपा वो वेस्ट बंगाल से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद आजकल मुझे पता है कि शर्मिष्ठा रानीखेत अब तो उत्तराखंड में गई हुई है, क्योंकि मछली में उनका एक मकान है वहां पर, तो वो पहाड़ी की चोटी पर थी, तो उसको ये खबर मिली, तो उसने इमीडिएटली ट्वीट किया वहां से। एक दूसरे बात है कि ये खबर कहां से आ गई, एक दूसरी बात है कि मैं जिसकी मेरी निष्ठा है कांग्रेस के ऊपर से, और मुझे ये बताया जा रहा है कि मैं भाजपा में शामिल हो रही हूं और मैं वेस्ट बंगाल से चुनाव लड़ूंगी, तो है क्या कि इस तरीके से हम एक राष्ट्रवादी अगर है, अगर हम एक राष्ट्र की अगर बात करनी है, तो इस तरीके से अफवाह क्यों? वही से जवाब ले लेता हूं, जवाब नहीं, मेरा सवाल जो उन्होंने सवाल खड़ा किया कि संघ के कार्यक्रम में प्रणव दा आते हैं और अब्बा ये उड़ती है कि उनकी बेटी बीजेपी में शामिल होगी, तो संघ और बीजेपी का यहाँ पर तालमेल नहीं हो? देखिए आप तो अपनी बात को ही काट रहे हैं, आप स्वयं कह रहे हैं अफवाह उड़ी, अफवाह उड़ी है ना जी, ऐसा आने का संभावना कोई है ही नहीं। और उनका उनका जब बयान आ गया, जब उनका बयान आ गया कि मैं कांग्रेस में रहूंगी, कांग्रेस बीजेपी में जान से पहले, अच्छा मैं राजनीति कर रहा हूं, कांग्रेस छोड़ दूंगी, इतना बड़ा स्पष्ट कर दिया उसने। मेरा सवाल ये है कि संघ के कार्यक्रम में पिता का जाना, बेटी का बीजेपी में के शामिल हो सकती है या अफवाह उड़ना, तो क्या संघ और बीजेपी दोनों फिर एक नहीं है? नहीं, ये अफवाह अब ये कैसे मानेंगे, संघ और बीजेपी ने उड़ाई है? ये कांग्रेस से कुछ लोग उड़ा सकते हैं ना जो दुखी है, अपनी माँ बेटी को अफवाह तो कोई भी उड़ा सकता ना जी, आप कैसे कह सकते हैं कि अफवाह बीजेपी कांग्रेस ने उड़ाई है जी? अफवाह मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये अगर ऐसा हो जाए काश तो बहुत अच्छा है देश के लिए, कि सारी पार्टियों के देश के नेता जो बड़े बड़े हैं मिल करके बैठ करके ऐसे ही बात करें, अगर ये अंतिम उद्देश्य है संघ का इस तरीके से हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन हद तब होती है कि प्रणव दा वहां पे गए, चलिए हम मान लेते हैं कि संघ और प्रणव दा दोनों निष्पक्ष हैं इस वक्त, पॉलिटिक्स से एकदम इतर है, अलग है, लेकिन एक तरफ ये चीज हो रही है और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टियां, आप देखिए दिन भर से इसी पे बवाल मचा हुआ है, सब लोग इसको इनकैश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यही पॉलिटिक्स है, इसी चीज का मैं विरोध कर रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बीजेपी का प्लांटेड प्लान समर्थन फॉर संपर्क फॉर समर्थन जो चला है उसी कैंपेन का एक हिस्सा है। लेकिन दूसरी चीज, नहीं नहीं, संघ वाले क्यों नहीं जा रहे हैं कांग्रेस या सीताराम येचुरी जी के यहाँ या मायावती या दूसरी और पार्टी हो गया? लेकिन आप ये अपने आप जाए ना अगर, तो अरे हद हो गई, इसमें कौन सा प्रोटोकॉल, नहीं संघ क्यों वो प्रोटोकॉल मेंटेन करेंगे, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। आप
अरे आप समाज नहीं नहीं सर आप समाज सेवा कर रहे हो सर, गलत गलत डिसीजन है। आप समाज सेवा कर रहे हो, आप समाज सेवा कर रहे हो, आप बिना बुलाए कहीं जा सकते हो जहाँ जरूरत है। क्षेत्र में कोई एनजीओ है कोई आर्टिकल वही फोटो करोगी, फोटो को सबके लिए है। अफवाह की बात कर रहे थे हमारे सीनियर सर, एक अफवाह की बात कर रहे थे कि एक अफवाह उड़ा दी कि शर्मिष्ठा मुखर्जी भाजपा ज्वाइन कर रही है। शर्मिष्ठा मुखर्जी कोई बड़ी नेता नहीं है आज की डेट में, बट पिछले 60 साल से कांग्रेस और संघ विरोधी ये अफवाह फैलाते हैं कि आरएसएस आरक्षण खत्म कर देगी, तो इससे बड़ी अफवाह क्या हो सकती है देश में? इसमें तो किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, जबकि आरक्षण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। मोदी जी बोलते हैं मेरी जान चली जाएगी, आरक्षण नहीं हटने दूंगा, तो इस पर क्यों नहीं आंसर देते हैं ये लोग? देखिए इसमें आरक्षण और उसका मने इसमें दो पर अफवाह की बात नहीं, अफवाह की बात नहीं। सवाल ये रहे कि प्रवर दा के जाने से हम लोग हैरत में हैं कि इस बात पे बात चर्चा नहीं होनी चाहिए कि प्रवर दा वहाँ क्यों जा रहे हैं। प्रवर दा जा रहे हैं अपनी ओपिनियन रखेंगे, सवाल उनसे होनी चाहिए प्रवर दा से कि आप पहले संघ को विरोधी बताते थे और आज आप इस मंच पे आए हैं तो आप किस परिप्रेक्ष्य में आए हैं, ये सवाल उनसे होना चाहिए। उनसे सवाल जब किया गया, उन्होंने कहा कि मैं जब जाकर वहाँ पर बयान दूंगा तो बयान को सुन। हाँ, तो अब फिर वो उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं बोला। हाँ, तो बोल रहे थे तो परिप्रेक्ष्य और इसमें दो लोग जो समान विचारधारा के नहीं है क्या एक मंच पर नहीं आ सकते? और एक मंच पर आ गए तो कैसे मान लिया जाए कि उनकी विचारधारा एक हो गई? नहीं, विचारधारा नहीं है, एक सोची सोचने का तरीका अलग है। ये लोकतंत्र की खूबी है, ये लोकतंत्र की खूबी है या संघ की? या सर ये लोकतंत्र की खूबी है, संघ की खूबी है। आप इसको संघ की खूबी कहे, लेकिन लोकतंत्र की खूबी है कि अपना संवाद कहीं पर भी रख के दूसरे विरोधी भी आपको संवाद रख सकते हैं। संजय गुप्ता जी हमारे साथ, नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं, स्वागत है उसका। संजय जी, आपके कुछ नेता कहते हैं कि चले गए तो क्या बुराई है, व्यक्तिगत इनका फैसला है। सुशील कुमार शिंदे कहते हैं कुछ नेता बुराई करते, आपको क्या दुख है वहां जा रहा है व्यक्तिगत उनका ये कार्यक्रम? नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रणब मुखर्जी जी इन सब चीजों से बहुत ऊपर है, देश के राष्ट्रपति रहे हैं और वो इन सब पार्टी पॉलिटिक्स से और सभी चीजों से ऊपर रहे हैं, सभी पार्टियों के ना होकर के पूरे देश के राष्ट्रपति रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक सिर्फ इतनी सी बात है, कांग्रेस की तरफ से एक जो हमारी सोच है, हम ये चाहते हैं पूरे जीवन वो हमारे कांग्रेस के नेता रहे हैं, तो एक कहीं बात मन में ये तो जरूर आती है कि जैसे आरएसएस जो संगठन है, हालांकि गैर राजनीतिक है, मगर उसके बावजूद भी वो जो कार्य करता है वो कांग्रेस के विरोध में काम करता है, तो जरा सी इस बात को लेके मगर हुआ पो तो है, मगर हम उसको सुनना है सुनेंगे कि उनके क्या विचार है, वो जाकर वहाँ क्या बात करते हैं। ये एक बार आ जाता है तो मैं समझता हूँ उसके बाद टिप्पणी करना इसके ऊपर ठीक रहेगा, मगर कोई अगर देश के स्थापक की उन्होंने अच्छी खासी तारीफ की। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अच्छा कार्य किसी भी माता के महान, उन्होंने कहा कि अच्छे कार्य कहीं पर भी कहीं, अरे भैया सुन लो ना दो मिनट यार, अच्छी बातें कोई भी आदमी कोई भी संस्था कर सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई आरएसएस अगर कार्य कर रही है तो सारे कार्य गलत करती होगी, ये तो कभी नहीं कहा गया। और उनके किन्हीं कार्यों की अगर प्रणब मुखर्जी साहब अगर तारीफ करते हैं तो उसमें कोई इतराज नहीं है। और हम जो कांग्रेस के लोग हैं, खुले दिमाग के लोग हैं, खुले विचारों के लोग हैं, हमारे लिए किसी के लिए हमारे मन में रिजर्वेशन नहीं है, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि कोई कार्य अगर उनके अच्छे है आरएसएस के और हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी जी, अगर उनकी जाके तारीफ भी करना चाहें तो हम अभी पहले सुन ले फिर उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। कांग्रेस असहज क्यों महसूस कर रही है? नहीं, असहज इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि वो हमारे कांग्रेस से पटेल जी कहते हैं कि मैं तो नहीं जाता, नहीं हमारे विरोधी संगठन है, उनकी विचारधारा जो रही है सांप्रदायिकता के नजदीक रही है आरएसएस, और उसके विचार जो रहे हैं धर्म के प्रति उनके उनके विचार हमारे से भिन्न है और उनकी सोच अलग है हमारी सोच अलग है, तो ये कारण है असहज हो जाने का। मगर एक बार उनके 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 विचार सुने फिर मैं समझता हूँ उसके ऊपर टिप्पणी करना ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए मेरे भाई ने कहा कि संघ कांग्रेस का विरोधी है, मेरे से लगता नहीं कि संघ कांग्रेस का विरोधी है, संघ किसी का विरोधी नहीं है, संघ हर उसका विरोधी है जो हिंदुस्तान के अंदर विरोधी काम करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, जो राष्ट्रवादी काम होंगे उसके लिए संघ हमेशा काम करेगा जी, उसके अंदर कोई भी देगा। लेकिन संघ ने कभी भी ना मुस्लिम का विरोध किया है ना किसी अन्य लोगों का विरोध किया है। अगर इन्होंने कांग्रेस के विरोधी की बात की है तो एक 47 से पहले जिस समय कश्मीर वाला मुद्दा आया, कश्मीर को बचाने के लिए, आपको बीच में रोक रहा हूं माफी के साथ, बीच में दर्शक कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट ये क्या संघ देगा कि कौन देश हित में काम कर रहा है और कौन देश के खिलाफ? ये संघ नहीं देगा, ये संघ नहीं देगा जी, संघ सिर्फ कौन तय करेगा? ये जो कट्टर सोच है ना, ये कट्टर लोग बोलते हैं, ये तो तय कौन करेगी ना जी, पब्लिक तय करेगी ना जी। लेकिन हम तो मानते हैं ना जी, अगर हमारे को लगा कि ये व्यक्ति सही नहीं है छोड़ेंगे, इसमें शंका का विषय नहीं। संघ ने हर उसका विरोध करेगा, संघ हर उस व्यक्ति का विरोध करेगा जो मां भारती के खिलाफ बोलेगा, हर उसका विरोध करेगा जो इस देश के
पुण्य को कांग्रेस का देश के खिलाफ काम कहा? मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा, उन्होंने क्या कांग्रेस मैं बताता हूँ सर संघ के विषय पे जो भाई साहब इतने महिमा मंडन कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। संघ वो है जो गोडसे को मानते हैं, और हम कांग्रेस वो है जो महात्मा गांधी को मानते हैं, और महात्मा गांधी के विचारों की हत्या करने वाले लोग आज बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते, इससे ज्यादा आप बुरा क्या करेंगे? आपने देश के नेता और देश के बाप का जो आपने हत्या की, ये गोडसे के लोग, ये संघ के लोग हमारी विचारधारा इसलिए इनके विरोध में है, और ये हमारे विरोधी नहीं है, ये देश विरोधी है। ये नाम तो माँ भारती का लेते हैं, इनकी माँ भारती अलग है। ये देश के झंडे को नहीं मानते, ये देश के राष्ट्रीय गान को नहीं मानते। इन्होंने 50 साल तक कभी अपने यहाँ झंडा नहीं लगाया, और गोडसे के उपासक, गोडसे का मंदिर बनाने वाले, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अपने आप को महिमा मंडित करते हैं। इनको मैं कहता हूँ, इनको स्थान नहीं होना चाहिए, ये सांप्रदायिक लोग हैं। ये इतनी मतलब आरएसएस के बारे में इतनी नफरत क्यों है कांग्रेसियों के मन में, ये समझ नहीं आता। मतलब इतना विचलित हो जाना समझ नहीं आता। आज आरएसएस में आज 1925 से लेके 2018 तक एक व्यक्ति गोड से मुर्दाबाद कहिए, गोड से मुर्दाबाद, गोड से मुर्दाबाद, गोड से मुर्दाबाद। सुनिए, संघ ने कभी भी गोडसे की तारीफ नहीं की है जी, संघ ने कभी भी गोडसे की तारीफ नहीं की है। ये जो कांग्रेस के लोग संघ की भाषा बोल रहे हैं, संघ के खिलाफ बोल रहे हैं, अभी ये जो गार्ड, अरे एक मिनट भैया, ये जब ये अभी बोल रहे थे कांग्रेस और संघ के बारे में, जो संघ के बारे में बोल रहे थे, राहुल गांधी ने भी संघ के बारे में बोला। मैं कहा इसी महीने में डेट है उनके, केस चल रहा है, निपटा ले आके अपने आप को। अब वो हिले हुए हैं कि राहुल गांधी ने पहले भी कहा अपने वक्तव्य के अंदर, तो राहुल गांधी आसिफ देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बोला था, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर ये बात केवल प्रणव बाजी और संघ तक रहती, लेकिन अब है क्या, अपने अपने हिसाब से परसेप्शन को डेवलप करना, बातों को फैलाना सारी पार्टियों ने शुरू कर दिया। जो मैंने शुरू में बोला था कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां हर एक इवेंट को कैसे इनकैश करें, इस चीज पे ये ज्यादा फोकस करती हैं, और यही दुख की बात है। इसी चीज के मैं अगेंस्ट हूँ। अगर बात केवल ये यहाँ मिलन तक होती कि हाँ भाई हम आ रहे हैं, प्रणव दाजी आ रहे हैं, हम उनसे सीखेंगे समझेंगे देश के विकास के लिए, लेकिन लेयर विद इन लेयर वाली जो कॉन्सेप्ट है सारी पार्टियों में ये है। कांग्रेस अपने हिसाब से परसेप्शन बना रही है लोगों का, बीजेपी अपने हिसाब से। आपके सामने जब मैं यहाँ शुरू में था, अभी 2-3 पॉलिटिकल पार्टियों के हमारे भाई लोग आए, देखा आपने परसेप्शन बनाना यहाँ पे भी शुरू हो गया अपने अपने फायदे के लिए। जो मैंने आपको बोला, संघ एक अलग चीज है, उसकी पॉलिटिकल परसेप्शन भी है, पॉलिटिकल टास्क भी है, उसके ग्रेटर टास्क है, कांग्रेस का भी है, सारे लोगों का है। तो हर घटना को ये किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकल इनकैश करते हैं, और बीजेपी इस बार फिर देखिएगा इनकैश कर जाएगी। ये भी हो सकता है कि जिसका हमेशा बीजेपी विरोध करती आई हो, प्रणब मुखर्जी एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, क्या पता इसलिए भी बुलाया हो कि उनसे कुछ सीखा जाए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से कुछ सीखा जाए। देखिए बीजेपी ने बुलाया नहीं उनको, संघ ने बीजेपी के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से कुछ सीखा जाए, मैंने कुछ सीखने के लिए, मेरे को लगता है हो सकता है सिखाने का हो। मैंने 2-3 बारी आपको पहले कह दिया, संघ तो हमेशा बुलाते हैं जो हमारे विचारधारा के नहीं है उनको बुला के उनके विचार सीखने के लिए भी तो बुलाया गया। वो बोलते क्या है उसके ऊपर चलेगा ना, सीखने के लिए, सीखने सिखाने के लिए, उनके विचार सुनने, अपने विचार बताने, विचारधारा की बात है ना जी, उनके विचार आ जाए, क्या आते फिर देखेंगे क्या होता है। अभी मैं कह सकता सीखेंगे सिखाएंगे, ये तो आप नियत क्या, नियत क्या, नियत ये तो यही होगी ना, एक वरिष्ठ नेता से कुछ सीखा जाए। नियत यही है कि देश के बहुत बड़े नेता हैं, सम्माननीय हैं वो, उनको यहाँ बिल्कुल सम्माननीय है, माननीय है, उनको यहाँ पर बुलाया जाए, उनके विचार के संघ को बताया, अपने संघ के विचार के, संघ क्या चाहता है वो उनको दिखाया जाए, फिर बाद में सोचेंगे क्या होगा। संघ क्या चाहता है प्रणव जी को पता नहीं, वो देखेंगे मालूम नहीं, जब वो कार्यक्रम में जाएंगे, संघ के कार्यक्रम में वो देखेंगे, संघ के बौद्धिक को देखेंगे, संघ की चर्चाओं को देखेंगे, संघ की सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे, उनको तब संघ समझ आएगा। पहले नहीं मालूम आपके संघ में जाएंगे तब पता चलेगा। बिल्कुल संघ को समझना, संघ की शाखा में जाना पड़ेगा, बिना बार बड़े संघ को सुनना मतलब समझने जा रहे हैं। देखिए आसिफ, इस देश की दुर्दशा क्या है,
हमें अपनी ही संस्कृति समझने के लिए कांग्रेस के दफ्तर जाना होगा, संघ के दफ्तर जाना होगा। हम जो जनरेशन टू जनरेशन अपनी संस्कृति हमें हमारी माँ ने, हमें हमारी दादा ने सिखाया, अब यहाँ पे ये वक्तव्य आ रहा है कि जी अगर आपको भारतीयता सीखनी है तो आप वहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ। तो ये एक बहुत गलत आइडियोलॉजी है कि किसी चीज को समझना है, एक्सपीरियंस करना है तो आपको वही जाना है। नेतागिरी समझनी है या राजनीति समझनी है तो एक जगह नहीं होती ना, विचारधारा तो सब। मैं बोलता, अरे सर हद हो गई है, मैं बोलता हूँ ऐसी कौन सी विचारधारा किसी पॉलिटिकल पार्टी की है जो हमने मुख्यालय, बिल्कुल जो मुख्यालय में नहीं, बचपन में नहीं पढ़ी है, हजारों साल का हमारा ट्रेडिशन है। पपड़ा जी, क्या इस मुलाकात को, क्या इस दावत को, क्या इस शिरकत को बहुत ज्यादा करके पेश किया जा रहा है, बड़ा करके? इतना है नहीं कुछ, बिल्कुल इसी बात आसिफ जी, ऐसा है अगर हम एक सामाजिक दृष्टि से अगर दृष्टिपात करते हैं तो दरअसल बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है, और कुठाराघात हो रहा है राजनीतिक दृष्टि से। दरअसल है क्या कि जिस तरह से यहाँ पर बातचीत हो रही है और सभी हमारे पर इतना बड़ा जनसमूह यहाँ पर खड़ा है, तो इतनी है क्या कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे है क्या कि यहाँ पर भाजपा को और संघ को दो अलग अलग बताया जा रहा है? दरअसल ऐसा नहीं है, भाजपा और संघ दोनों एक है, क्योंकि ये संघ से निकल के ही जो है धीरे धीरे करके जब इतने पूरे अपना एक अपने वरिष्ठ ये हो जाते हैं तो उसका ये भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे आप देखिए आज हमारे मोदी जी आज जो है कहां से निकले, या अडवाणी जी कहां से निकले थे, या मुरली मनोहर जोशी कहां से निकले थे, या हमारे अटल जी कहां से निकले थे, है क्या कि दरअसल ये आप ये कहें कि RSS अलग है और बीजेपी अलग है, नहीं, ये दोनों एक है। लेकिन जहां पर सवाल एक सामाजिक दृष्टि से अगर बात करने का हुआ है, एक प्रौढ़ता के ऊपर से एक पूरे राष्ट्र के अंदर इस तरह एक ऐसा एक माहौल बना दिया गया है कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, भाजपा चढ़ जाएगी, स्वयं सेवक ये हो जाएंगे और वो, अरे भाई क्या रखा है इन चीजों पर, एक दूसरे बात किया। आप एक राष्ट्रीयता की बात कीजिए कि अगर प्रौढ़ता को अभी 7:15 का टाइम हो रहा है, 7:20 पर उनको अपना स्पीच देना है, उनका जो ऑफिस है, मैं पत्रकार के नाते आपको बता रहा हूँ, किस उनका जो अपना ऑफिस है उसके द्वारा जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, उनको सिर्फ 20 मिनट का अपना भाषण करना है, सिर्फ 20 मिनट का भाषण करना है, और उसने राष्ट्र में बोलना अपना कि किसी का उन्होंने कोई मतलब आलोचना नहीं कर दिया, कोई कुछ नहीं करता, तो सब ये कहते हैं कि हमारा राष्ट्र कैसे चलेगा, एक राष्ट्रवाद कैसे क्या कायम हो सकता है, और लोकतंत्र की व्यवस्था की क्या एक महत्ता है, ये वो कहेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल एक ये उठ रहा कि आपने कहा कि वहां जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि विचारधारा एक हो गई और जो बोलेंगे उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, ठीक है, देश के लिए बोलेंगे, संघ के लिए बोलेंगे, राजनीतिक पार्टियों के बोलेंगे, या भारत की राजनीति के लिए बोलेंगे, बयान के बाद पता चलेगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है, तस्वीर का फायदा उठाया जा सकता है, उनकी शिरकत करने का फायदा उठाया जा सकता है, वहां राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा सकती है, ये बिल्कुल ये दुर्भाग्य होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त राजनीतिक दाव पे चल रहे हैं, सेना के हमले को बनाने की कोशिश गलत चीज है, सेना की कार्रवाई को बनाने की गलत चीज है, है क्या कि जिस तरीके से आज ये राजनीतिक दावपेच खेले जा रहे हैं, वोट की राजनीति के कारण, क्या एक वोट की राजनीति हमारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है? इस वक्त सैकड़ों मेरे ये युवा साथी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात है, मैं समझता हूँ कि मुश्किल से 10,000, 15,000, 20,000 रुपए काम कर रहे होंगे, और जबकि इनके माँ बाप ने इनके ऊपर लाखों रुपया खर्च किया होगा। हम रोजगार की बात करते हैं, हम लाखों रुपया बाहर से जो हमारा काला धन जा रहा है उसकी बात करते हैं, आज बैंकों का हाल देखिए आपकी क्या किस तरह का हाल हो गया, और जनमानस का आप हाल देखिए, महंगाई देखिए, या हमें इस चीज पर बात कर गई आसिफ जी, हम क्या ये वोटों की राजनीति, प्रणोदा ने ये कर दिया, प्रणोदा ये कर दिया। सर जहां तक रही नौकरी की बात, 8,000, 10,000 जिसने भी खर्च किया, माँ बाप ने खर्च किया है, लेकिन क्या ये कांग्रेस 60 साल से शासन कर रही है, उसने आज तक ये चीज क्यों नहीं सोचा कि लोगों को रोजगार दिया जाए, या इतनी इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाई जाए जो ताकि लोगों को रोजगार मिल सके? और शिक्षा का स्तर आज हिंदुस्तान का कहां है? जहां भी कांग्रेस की शासन थी, पार्टियां थी, वहां पर शिक्षा का स्तर क्या है कांग्रेस का? मेन मुद्दा होना चाहिए शिक्षा और विकास का और रोजगार का, लेकिन कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया, और 5 साल, 10 साल में बीजेपी के शासन में अगर आप ऐसी उंगलियां उठाएंगे और इतना टाइम नहीं देंगे तो आप बेईमानी कर रहे हैं। लेकिन आज हम मुलाकात को लेकर, भाई ने कहा 15 साल के शासन गुजरात में और 15 साल शिवराज शासन में, व्यापन जैसा बड़ा घोटाला, शिक्षा व्यवस्था के अंदर से लेकर MBBS की सीटें तक बेच ली गई मध्य प्रदेश में, और कह रहे हैं विकास की बात, एजुकेशन की बात, ठीक, और बात इस पे नहीं है, बात इस पे है प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी का वहां जाना। अब बीजेपी इसको एक इवेंट क्रिएट कर रही है, जो चुनाव हारे हुए हैं उस चुनाव के बैकअप के तौर पर प्रणब मुखर्जी का चेहरा यूज करने की कोशिश की जा रही है। मेन बात, एक बड़ा चेहरा पश्चिम बंगाल में तलाशा जाए जो ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा किया जा सके, उस होगा, क्योंकि एक इवेंट क्रिएट किया जा रहा है, एक माहौल, क्योंकि जनता में समर्थन नहीं मिल रहा है, जनता तो जिन्ना एक बात मुझे रखनी है, प्रणव दादा जैसे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति अगर RSS के कार्यकाल में जा रहे हैं ना, कार्यालय में जा रहे हैं ना, कोई अचानक हुई घटना नहीं है। जब वो राष्ट्रपति थे और मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए, तो आज तक आपने सुने होंगे कि अगर विरोधी दल का राष्ट्रपति या राज्यपाल है और मुख्यमंत्री के बीच रिलेशनशिप कभी अच्छे नहीं हुए हैं, ये आप भी जानते हैं, फैक्ट जानते हैं, हर कोई एग्री होगा। बट अपने 2.5 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने अपने काम से
राष्ट्रपति को बहुत प्रभावित किया था और उन्होंने उसके लिए मैं कंप्लीट कर लूं, और उसके बाद तारीफ करने के बाद मोदी जी ने उन्हें अपने पिता तुल्य बोला। तो उन्होंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में उसने उन्हें प्रभावित किया, तब जाके उनकी एक विचारधारा उन्होंने सोची कि चलो एक कोई डिफरेंट विचारधारा उसको भी जाके भी मंत्री ने प्रभावित किया और गए वो संघ में, इसका क्या तालमेल है? आप इसको आप मानो चाहे मत मानो, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ तो मैं मानता हूँ, अगर अटल जी हो चाहे मोदी जी हो, हर कोई संघ से ही निकला है। तो जो हमारी ट्रेनिंग हुई है, जहाँ से हम पढ़े, मैं सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ, तो मैं भी कहीं ना कहीं संघ के एक किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ, मेरी विचारधारा वो है। अगर आज मैं इनको प्रभावित करता हूँ, मैं आज किसी दूसरे पद पे हूँ, तो वो मुझे बोल सकते हैं किसी एक संघ के व्यक्ति से मैं प्रभावित हुआ हूँ। आप संघ से जुड़े हैं तो फिर कांग्रेस की बुराई क्यों करते हैं? आप एक चीज बताइए, जो पिछले 7 दिन बीजेपी की बुराई क्यों नहीं का क्रम है, 7 दिन का जो घटनाक्रम जुड़े हैं, तो आप कांग्रेस की बुराई क्यों कर रहे हैं, बीजेपी की क्यों नहीं? क्योंकि संघ जो है वो संघ ये सिखाता है कि कांग्रेस बुरी और बीजेपी। एक चीज बता दीजिए, कब हमने कांग्रेस की एज ए संघ विचारधारा से बुराई कर दी? जब हम किसी दूसरे पद में आ जाते हैं, हम संघ से अपना कार्य खत्म करके एक व्यक्तिगत पार्टी के तौर पर आ जाते हैं, तो हम पार्टी के काम करते हैं। जब तक हम एक संघ में हैं, कोई किसी भी पार्टी की बुराई नहीं करता। अगर आप, मैं फैक्ट पे लिख के दे सकता हूँ कि आप बता दीजिए, अगर कोई मेरे भाई ने कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर कभी इन्होंने बताया कि राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बंद में जब अलग अलग पार्टियों के लोग रहते तो बनती नहीं है। तो ये मान रहे हैं कि कांग्रेस का राष्ट्रपति निष्पक्ष होता है और बीजेपी द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति। संजय जी को लेकर, संजय जी देखिए भाई साहब, इसके अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से RSS ने आज उनको इन्वाइट किया है, मैं समझता हूँ आज के इस परिप्रेक्ष्य के अंदर RSS संगठन को भी उन विचारों की आवश्यकता है कि जो कि धर्म निरपेक्ष रहे हैं। मैं कहता हूँ आज उन विचारों की आवश्यकता है कि जो देश का जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हैं, शायद मैं समझता हूँ कि RSS के अंदर किन्हीं बातों को लेकर के अभी रिजर्वेंस था, और प्रणब मुखर्जी वहाँ जाएंगे, मैं समझता हूँ उन लोगों को भी सीखने का अवसर मिलेगा, उन्हें मालूम चलेगा कि इस देश की भावना जो है वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और जो इनके अंदर रिजर्वेंस है मुसलमानों के खिलाफ, जो इनके अंदर रिजर्वेंस है दलितों के खिलाफ या आरक्षण के खिलाफ, जो RSS के अंदर एक रिजर्वेंस है, मैं समझता हूँ अगर प्रणब दा जैसे लोग वहाँ जाएंगे, उनको भी सद्बुद्धि आएगी, अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। मगर ये भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि प्रणब दा हमारे पास आए तो उनकी विचारधारा पलट गई। नहीं, प्रणब दा के विचारों से उनकी जो विचार है उनका शुद्धिकरण होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये मेरे भाई ने संविधान की बात करी है, मुझे तो हंसी आ रही थी भाई की संविधान की बात देखे, जिसने 75 में इमरजेंसी लगा दी, जिसने 84 के अंदर सिखों का कत्लेआम कर दिया, जिसने 92 बार देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया, 102 बार संविधान का संशोधन कर दिया, शाबानो केस के अंदर पूरे देश को बदल के रख दिया, वो संविधान की बात करते हैं, वो लोकतंत्र की बात करते हैं। ये कांग्रेस से पूछना चाहिए लोकतंत्र क्या है, संविधान क्या है, जिसके अंदर राहुल गांधी जाता और कागज फाड़ के फेंक देता है मैं इसको मानता नहीं हूँ, ये लोकतंत्र की बात करते हैं? किस लोकतंत्र की बात करते हैं कांग्रेस के अंदर? नहीं आसिफ, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जैसे अभी एक भाई साहब बोल रहे थे किसी ने विकास नहीं किया, देखिए विकास कम ज्यादा करके अपने अपने हिसाब से सारी पार्टियों के टाइम पे हुआ है, और मैं इस चीज को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि सारी पार्टियों में अच्छाइयां बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार विकास अच्छी बुरी चीजें हुई है, ये राजनीतिक पार्टी के ये नेता लोग हैं। मैंने आपको बोला छोटी से छोटी चीजों पे ये लोग इनकैश करेंगे, बीजेपी इस मामले में बहुत स्ट्रांग है, कांग्रेस पीछे जा रही है, बीजेपी संघ भले करे या ना करे, संघ का एक परिप्रेक्ष्य मुझे यहाँ ये नजर आता है कि थोड़ा सा बदलते हुए माहौल में वो अपनी इमेज को मेक ओवर करना चाहती है, बदलना चाहती है कि हम ब्रॉडर लेवल पे दूसरे लोगों को भी एक्सेप्ट करते हैं, अपने विरोधियों को भी एक्सेप्ट करते हैं, ये एक संघ का स्ट्रेटजिक गेम प्लान है, बीजेपी इसका जबरदस्त फायदा उठाएगी। कांग्रेस, मैं जो टीवी देख रहा था कि कांग्रेस बैकफुट पे है, वो उसको ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक बेनिफिट भी पहले से लिया जाना है वो तय है, और इन सारी चीजों का वो बंदोबस्त ऑलरेडी आप देख रहे हो टीवी पे है। क्या नुकसान और क्या फायदा है इसको लेकर प्रणव दा जो पहुंच रहे हैं संघ के कार्य? दरअसल ऐसा है कि नुकसान और फायदे का जहाँ तक सवाल है, मैं ये लिख रहा है आपको, मैं बिल्कुल ये नहीं समझता इस तरीके से ये सारे कोई नुकसान और फायदे की बातें हैं। कि प्रणव दा जो आज अभी 7-20 पर जो अपनी बात रखेंगे 20 मिनट की, वो अपने आप में एक विशेष होगी, और मैं समझता हूँ कि शायद वो इतिहास में वो चीजें दर्ज होगी। दूसरा है क्या कि जहाँ तक सवाल है भाजपा और कांग्रेस का, दरअसल ये अपने राजनीतिक अपने संघ के बारे में, संगठन के बारे में कहेंगे, ऐसा लगता है कि जैसे देश के बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो राष्ट्रवाद के बारे में कहेंगे और पूरे राष्ट्र की जनता को बताएंगे कि राष्ट्र को किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह के विकास के पथ पर इसको अग्रसर करना है।
नहीं नहीं इसका मैं आपको बताता हूँ आसिफ, इसका बहुत ग्रेटर इम्पैक्ट पड़ेगा आज के बाद से। जितने टीवी डिबेट होंगे दो महीने तक, देखिएगा बीजेपी का हर स्पोक पर्सन कांग्रेस को बैकफुट पे लाएगा ये बोल के कि भाई फिर क्यों गए प्रणब दाजी, अगर आप इतनी अपनी पार्टी से समर्थित थे, आपकी आइडियोलॉजी थी, कहीं ना कहीं कमी थे ना। मैं वही बोल रहा हूँ जो ग्रेटर गेम प्लान है पॉलिटिकल व्यू से, अगर आप ये देखें 2000 जो पोस्टरिंग है, जो लेटेंट वे में मैसेज को जो है प्लांट किया जाना है 2019 के इलेक्शन के पहले लोगों के दिमाग में, और संघ का जो अपना रीमेक ओवर करना है पूरी इमेज का, वो ये सारा जो है बहुत अच्छी तरीके से ये स्ट्रेटजी रहती है। हाँ, आपका क्वेश्चन पूछे फिर मैं जवाब देता हूँ। क्या फायदा होगा इसको, क्या नुकसान होगा राजनीति प्रणोदा के? मैं इसका फायदा सिर्फ आरएसएस को इतना होगा, क्योंकि जो भाषण देंगे वो भाषण को बुला दिया जाएगा, जो फोटो ली जाएंगी वो फोटो आने वाले जो चुनाव में उसको दिखाया जाएगा कि ये देखिए आपके जो गद्दावर नेता थे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इनके साथ जो उन्होंने संघ को गाली दी, हमारे कांग्रेसियों को। मैं मीडिया से ये कहना चाह रहा हूँ, अभी प्रणब जी आरएसएस के प्रोग्राम के चले गई, उसकी वजह से आप लोग इतना डिबेट कर रहे, इतना बात कर रहे। आप लोग एक चीज सभी अभी भी समझा नहीं है, इंडिया का प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, तीनों आरएसएस से आया हूँ, उन लोग अभी भी राजनीति कर रहा हूँ, तो उसको उस संगठन में एक प्रोग्राम के लिए हमारा पिछले हमारा प्रेसिडेंट गए थे, उसमें क्या गलत है? आपको क्या गलत दिख रहा है उसमें? बिल्कुल, सवाल तो यही है कि गलत तो कुछ नहीं है, गलत उनके जाने में कुछ गलत नहीं है, गलत तब हो जाता है जब पॉलिटिकल पार्टीज उसका गलत फायदा उठाना शुरू करती है। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोलता हूँ अगर कुछ नहीं है तो क्यों बीजेपी के सारे प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता अभी टीवी पे लगे हैं और दो महीने तक टीवी पे इसी चीज को इनकैश करेंगे? गलत यहाँ से हो रहा है, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये प्लांटेड स्टोरी है, बहुत सोची समझे रणनीति के तहत ये चीज बनाई गई है। सीधी सर जो कह रहे हैं गलत जाना गलत नहीं है, बात यह है ना कि आज जो दो दिन से मीडिया भूमिका बना रही है, एक तरह से गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, वो एक तरह से भूमिका बनाई जा रही है कि अच्छा अब हार के बाद अब देखो फिर से बीजेपी आ रही है, अब ये प्रवण दाजी के साथ देखो जिस प्रवण दाजी को कांग्रेस ने ये कर दिया, प्रधानमंत्री नहीं बनाया, अब ये संघ के शरण में है, तो एक तरह की जो हेडलाइन के साथ मीडिया दिखाना चाहती है ना, दिखाना चाह रहा है कि टीस जो उनके दिल में थी कांग्रेस को लेकर बेसिक मुद्दों से, जिस मुद्दे पर जनता ने कैराना का वोट देखा के प्रवण मुखर्जी के मुद्दे पे लाना चाह रही है मीडिया। ये इनकी बातें सुन के ऐसा आज अगर प्रणब मुखर्जी खुद देखेंगे ना तो वो खुद ही अपने आप को इतना छोटा महसूस करेंगे कि इनके कार्यकर्ता जिनके लिए उन्होंने इतना काम किया, आज ये किसी प्रोग्राम में जाने से उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें करना स्टार्ट कर दी, तो ये खुद अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर किसी के प्रोग्राम में जाना गलत है, मनी शंकर ये पाकिस्तान में जा सकते हैं, वो गलत नहीं है, उसके लिए ये लोग नहीं बोलेंगे, बट प्रणव दादा अगर आरएसएस के कार्यालय में एक बार चले जाए तो उसके लिए दिक्कत। अरे वो भी एक देश का इंस्टीट्यूट है, वहां पे चले गए, वो किसी के जबरदस्ती से तो गए नहीं होंगे, कहीं ना कहीं किसी विचारधारा से किसी बात से सहमत हुए होंगे तभी गए हैं, तो वो फोटो में मत जाइए, वो बाकी ही हमारी विचारधारा से कहीं ना कहीं आए होंगे, सहमत होंगे तभी फायदा उठाने की कोशिश। अगर वो हमारी विचारधारा से सहमत हैं तो जो हमारी विचारधारा से सहमत कैसे करो, क्या पता क्या मालूम कि प्रणब मुखर्जी की विचारधारा उससे सहमत होगी, दोनों की विचारधारा एक दूसरे के करीब आई होगी, आप पता नहीं उनकी विचारधारा कैसे विचारधारा कैसे बदल गई, कैसे पता चले? तो आप ये वो मैंने आंसर दिया था उसका, जो पिछले 3 साल में एक संघ के व्यक्ति विचारधारा की बात हो रही है, मोदी जी यहाँ पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जो उनके बर्थडे पर जो बधाई देने के लिए आते हैं, विचारधारा एक हो गई क्या? दरअसल ये नहीं है, अगर ये जिस तरीके से यहाँ चर्चा चल रही है, जो चर्चा चल रही है वोटों की राजनीति की, यहाँ का जन आज के समय में ये समझता हूँ कि आज के समय में वजियत कितनी हुई, लेकिन विपक्ष को मौका मिल गया ना कहने का, ऐसे कहने का मौका। अगर आज वोट अगर 2019 का जाता सवाल, अगर वोटें पड़ेंगी एक बेरोजगार किसको वोट देगा वो खुद समझता है, अगर एक किसान अगर सवाल किया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां अगर बर्थडे में पहुंचते तो विचारधारा एक जैसी नहीं होगी ना, वो तो उनको कांग्रेस मुखर्जी कैसे, तो हम क्या कह रहे होगी जी, हमने तो कहा ही नहीं, मैं तो अभी भी यही कह रहा हूँ कि प्रणब मुखर्जी की अलग विचारधारा है, हमारी अलग संघ की अलग विचारधारा है, वो अपनी विचारधारा में रखेंगे, उनको रखने दो। ये जो मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा मोबाइल उठा रखा है आपने, इतना बड़ा मोबाइल मीडिया ने उठा रखा है, ये मीडिया का कहा हुआ है, मीडिया शो मचा रहा है, इसके अंदर प्रणब मुखर्जी जा रहे हैं, उनको सुनने दो, बोल कह रहे हैं, उनकी पहले बातें तो बाहर आन दो, कहना क्या चाहते हैं, अभी तो वो कुछ हुआ नहीं, पिंड बसा नहीं, पहले वाली बातें हो रही है। नहीं, बातें देखिए ऐसा कोई बहुत इनोवेटिव चीज वो नहीं बोलेंगे वहां पे, वो मैंने आपको पहले बोला वो नॉन पॉलिटिकल उनका स्टेटमेंट होगा, और बात वहां देश की होगी, सभी के हित की बात होगी, ग्रोथ की बात होगी, तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है।
सवाल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये है, मैं ये बोलता हूँ कि अगर ये चीज संघ की अगर ये विचारधारा है तो संघ को अपने लिए भी ये करना चाहिए, संघ के बड़े बड़े नेता भी दूसरी पार्टियों के पास जाएं, संघ जब दूसरी पार्टी के लोग बुलाएं तो संघ के बड़े बड़े नेता भी वहां पे जाएं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हम समरसता तो सब समझेंगे जब ये दोनों तरफ से ये चीजें हो, केवल एक तरफ से ना हो। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हर छोटी से छोटी चीजों का जो पॉलिटिकल बेनिफिट सारी पॉलिटिकल पार्टियां केवल बीजेपी नहीं जो उठाना जब मौका मिलता है सब उठाते हैं, कांग्रेस सपा बसपा छोटी छोटी चीजों का उठाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्थडे में क्या गलत कर रहे हैं? गलत क्या करते हैं? नहीं वो आरोप मैं आपको बताऊं, आप किसके बर्थडे की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में बिना बुलावे पे? देखिए वो एक इंटरनेशनल मुद्दा है और ये नेशनल है, आप अपने देश में तो कहीं जा सकते हो, मैं आपके घर जा सकता हूँ बिना बुलाए, आप मेरे भाई हो आप मेरे भाई हो, लेकिन उसकी थोड़ी पोजीशन अलग है, वो एक हमारा सदैव से ही मतलब हमको हानि पहुंचाने वाला वो देश रहा है, उस पे क्वेश्चन उठ सकता है, लेकिन फिर भी मैं तारीफ करूंगा कि भाई हमने कोशिश की। इसको लेकर राजनीति नहीं होना चाहिए, अगर प्रणब मुखर्जी वहां पर पहुंच रहे हैं संघ के वहां तो ये भी नहीं कहना चाहिए कि दोनों की विचारधारा एक हो गई, हो सकता है कि वहां पर जब जाएंगे प्रणब मुखर्जी तो संघ की तारीफ ना करके वो देश की बात करेंगे। अब सारा कुछ तभी तय होगा, प्रणब मुखर्जी का बयान निकल कर आएगा, वो क्या कुछ कहते हैं, लेकिन इस मसले को लेकर काफी तूल पकड़ा जा रहा है, लेकिन राजनीतिक दल जो है इसका राजनीतिक फायदा उठाने की भी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार।